देखो आज अपन क्या पढ़ा रहे बेटा, भागाकार। क्या देखेंगे? भाग देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं भागाकार मराठी में, और इसको भाग बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? और इंग्लिश में क्या होता है ये? डिवाइडेशन। क्या होता है? डिवाइडेशन, डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको देखेंगे। और इसको लिखने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका आपको ये बताया, दूसरा तरीका ये बताया, और तीसरा तरीका ये बताया। इन तीन तरीकों से भाग को लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है 20 से भाग देंगे 200 को, यहाँ पे 200 को भाग देंगे 20 से, यहाँ पे 200 बटे में 20 हो गया, मतलब 200 को भाग देंगे 20 से। ये तीन तरीके होते हैं लिखने के। अब यहाँ पे बच्चों जब देखेंगे ना, जब इस तरीके के सवाल लिखे जाते हैं, इसमें जो अंदर की संख्या होती है, जैसे कि 200 को भाग देना है 20 से, कितने से देना है? 20 से भाग देना है। यहाँ पे जो बच्चों 20 होता है ना, जिस संख्या से आप भाग देते हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जिस संख्या में भाग देना होता है उस संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। इंग्लिश में ये क्या होता है? डिवाइडर। ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। ऊपर जो आपका आंसर आता है भाग देने के बाद, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भागफल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भाग देने के बाद या तो पूरा पूरा कटता है या तो कुछ बचता है। अगर कुछ बचा उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं बच्चों? शेषफल। इंग्लिश में क्या होता है ये? रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों देखेंगे, एक सवाल आपको लिखा था यहाँ पे, एक 12 से भाग देना है 1234 में। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देने से सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किस संख्या को? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम लोग भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग देंगे उसको हम लोग कहते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाज्य। अब जिस संख्या से भाग देते हैं और जिसमें भाग देना होता है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके भाग दे पाएंगे, नहीं तो भाग जाएगा नहीं, नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब यहाँ पे दो संख्या है, कितनी संख्या है? दो संख्या। यहाँ पर भी बेटा दो संख्या है। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, दोनों संख्या समान है, यस और नो? कितने बार भाग जाएगा? एक बार जाएगा। 12 एकम 12 12 एकम 12। अब 12 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भाग गया, इसके बाद क्या करते हैं तो आगे की संख्या नीचे उतारते हैं, बराबर है क्या? यहाँ पे 3 उतारेंगे। अब ये बताओ 12 से 3 में भाग जाएगा क्या? 12 से 3 में भाग जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा बेटा ये बता दो? क्योंकि ये संख्या छोटी है, अगर ये बड़ी रहती तो ही इसमें भाग जाता, नहीं तो नहीं जाता। अब क्या करेंगे जब भाग नहीं जा रहा, तो बच्चों एक ऊपर शून्य रख कर अगली संख्या नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 नीचे उतारेंगे। समझ में आ रहा बच्चों? अब 12 से 34 बड़ी है छोटी है? बड़ी। इसका मतलब भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। 12 दूनी 24, मतलब 3 बार करोगे तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, और बड़ी संख्या में भाग नहीं देना आपने को। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा 12 दूनी 24। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे, क्या कर देंगे? माइनस करने के बाद क्या बचेगा बच्चों? 0 और 3 में से 2 गए तो 1, 10 बच गया। अब ये आपका आया शेषफल। क्या आया? शेषफल आया आपका। ये क्या था आपका? भाज्य। भाज्य बेटा, भाज्य। और ये क्या है आपका? भाजक। और ऊपर वाली संख्या क्या होती है आपका? भागफल बेटा, क्या होती है? अब ये बताओ मुझे, आपका ये भाग सही है कि गलत? नहीं, ऐसे कैसे सही बता सकते हो आप? कैसे बोले सही है गलत हुआ तो? लेकिन ये चेक कैसे करेंगे आप? सबसे पहली बात है चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। अब चेक कैसे करते हैं बच्चों? देखो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो भाज्य होता है ना, ये भाज्य भाज्य किसके बराबर होना चाहिए पता है? भाज्य हमेशा बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल। क्या? भाजक गुणा में भागफल, मतलब भाजक और भागफल का क्या करते हैं हम लोग? गुणा करते। क्या करते हैं? गुणा। और लास्ट में आपको शेषफल जोड़ देना है। अगर इसके बराबर ये आ गया, मतलब आपका भाग बराबर है, इसका मतलब आपका भाग बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये सवाल हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये बराबर है क्या। ठीक है, तो इस सूत्र के आधार पे हमको क्या करना है कि भाजक का गुणा किसके साथ करना है? भागफल के साथ। भाजक कितना है बता दो? 12।
भागफल कितना है 102। इन दोनों को गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें जोड़ देंगे आप शेषफल जोड़ देंगे, और शेषफल कितना है आपका 10। अब बच्चों यहाँ पे क्या करो, गुणा कर लो, देखो 12 दुनी 24, 12 का अब देखो ऐसे क्या 12 दुनी 24 के चार हासिल कितने रहे 2, 12 का गुणा शून्य में किए शून्य आया और साथ में हमने 2 जोड़ दिए जो हासिल किए थे तो 24 हो गए और 12 का 12। अब इसमें जोड़ना कितना है 10। जब इसमें बच्चों जोड़ोगे आप 1224 में 10 जोड़ोगे कितना रहेगा 1234, और आपका भाज्य कितना दिया है 1234, मतलब 1234 बराबर 1234, ये दोनों बराबर आ गए बच्चों, इसका मतलब आपका भाग क्या है बराबर है। ये हुआ, अब क्या करो इसको लिखो अच्छे से यहां से पूरा, इसके बाद आपके सवाल करेंगे हम लोग। देखो बच्चों यहाँ पे अपने को 13 से भाग देना है, कितने से 13, किसमें भाग देना है 17,893 में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 संख्या है तो यहाँ पे भी 2 संख्या है ही लो, ठीक है। इसके बाद देखना 13 से बड़ी 17 है बराबर कि नहीं, मतलब भाग जाएगा। अब कितने बार भाग जाएगा वो अपने को देखना है, 13 के पहाड़े में 13 एकम 13, दो बार करेंगे 13 दुनी 26, 17 से बड़ा हो गया मतलब दो बार लेंगे नहीं, या फिर आप क्या करो जिसको पाढ़े आते तो पाढ़े लिख लो यहाँ पे, देखो 13 एकम 13 13 दुनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 4 77, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 और 13 10 130, ये आपने पाढ़े लिख लिए, ठीक है। अब देखो 17 से छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है 13, कितने नंबर पे 1 नंबर पे, तो 1 ऊपर लिखेंगे और 13 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे बेटा माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस क्या क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे, क्या क्या माइनस होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करो 17 में से 13 माइनस करो, मतलब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 और 1 में से क्या 0। अब क्या करते हैं बच्चों, भाग हो गया इसके बाद अगली संख्या ऊपर से नीचे लेके आएंगे, उसके बगल वाली ही लाना से मां यहाँ पे 8 लेके आएंगे, जब 8 लिखेंगे यहाँ पे कितना हो गया 48। अब 48 से छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी देख रहे हो, कितनी है 39, कितने नंबर पे आती है 1 2 3, मतलब जितने नंबर पे आती है वो ऊपर लिखना आप और 3 नंबर पे जो संख्या आती है वो यहाँ पे लिख लेना 39, मतलब 13 3 49, ऐसा होता है 13 3 49। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इनका माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, ये बताओ 18 में से 9 कितने बचेंगे, देखो सबसे पहले 8 में से 9 जाएंगे क्या, 8 में से 9 जाएंगे क्या, फिर क्या करेंगे यहाँ से उधार लेते 18 हो जाए और 18 में से 9 गए कितने बचेंगे 9 बचेंगे, कितने बचेंगे वो माय जी क्या है, ठीक है 18 में से 9 गए कितने बचेंगे 9, और यहाँ पे 3 में से 3 गए तो क्लियर हो बेटा, वैभव समझ लगा, ओ बेटा वैभव समझ लगा, नहीं समझता नहीं काय समझ नहीं शाम किया मारे काय क्यों सारा, क्या काम खराब हुआ यहाँ पे, वापस सांग क्या, वापस सांग तो वही को जरा ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे 17 था ना, 17 में जब 13 से भाग देंगे तो 13 एक 13, 17 में से 13 माइनस किए 4 बचे, जब एक बार माइनस करते तो अगली संख्या हम लोग नीचे लेके आते, जब 8 यहाँ पर लेके आए तो कितना हो गया 48। अब ये देखना है जो 48 है ना वो 13 के पाढ़े में आती है क्या, अगर आती होगी तो पूरा पूरा लिख लेंगे, अगर नहीं आती होगी तो 48 से छोटी संख्या कौन सी 13 के पाढ़े में आती है। अब देखो 48 से छोटी संख्या कौन सी है, जो कि 13 के पाढ़े में आती है, किसमें आती है 13 के पाढ़े, तो 13 3 39, अपन ने 3 ऊपर लिखा 39 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे माइनस करेंगे बेटा, क्या करेंगे माइनस। अब ये बता 48 में से 39 माइनस करना है, चक्कर माइनस तो अड़तालीस में से 39 माइनस के 9 बच गया, 13 कितना बचा है 9 ही बचा है 13, बहुत बढ़िया तुमने तो ट्रॉफी देने वाला काम कर दिया इधर देखा नहीं। अभी क्या करेंगे 8 यहाँ पे नीचे लेके आए कि नहीं, अभी ना यहाँ पे 9 को नीचे उठा के लाएंगे, ये कितने हो गए 99, 99 बेटा 99, अब ये बताओ 99
13 के टेबल में आता है क्या? नहीं। आता है क्या? नहीं। छोटी संख्या कौन सी आती है? 91। कौन सी आती है? 91 आती है बेटा, 91 नहीं आता, 91 आता है। कितना आता है? 91। कितने नंबर पे आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 ऊपर लिखेंगे और 91 यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बता दो जरा, यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या करेंगे? अब 9 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? और 9 में से 9 गए तो इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? ठीक है, अब क्या करेंगे बता दो। ये यहाँ पे 3 बचा है, 3 को उठा के यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। अभी यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे कितने हो गए? 83। अब ये बताओ 83 टेबल में आता है क्या? 13 के आता है क्या? उससे छोटी संख्या कौन सी आती है? 78। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे, 6 ऊपर लिखेंगे, 13, 6, 78 यहाँ पे लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, करो माइनस, कितना आएगा बताओ? 5 आएगा, यहाँ पे बचेगा 5। अब आगे कोई संख्या है क्या? मतलब यहाँ तक भाग खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो बच्चे नीचे बचा है ना आपका, ये नीचे वाली संख्या क्या है? शेष फल है। क्या है? शेष फल। ये क्या है आपका? अचरक। ये क्या है? आज। ऊपर क्या है? भाग फल। भाग फल आया क्या? भाग फल। अभी ये आपका भाग सही है कि गलत है, ये आपको चेक करना है, सही है या गलत है ये चेक करना। तो ये बच्चों कैसे चेक करते? हम लोग क्या करते, भाग फल, भाग फल में गुणा करते किसका? भाजक का। किसका? भाजक। और इसमें जो भी आंसर आएगा हम लोग जोड़ देते हैं, वो क्या होता है आपका? शेषफल। ये जो बच्चों आपको मैंने बताया ना, ये कैसे बताया पता है? यही वाला आपने लिखा, देखो ये जो है ना भाजक गुणा में भागफल, देखो आपने वही लिखा है, भाजक गुणा में भागफल, और लास्ट में जोड़ा आपने प्लस शेषफल, आपने यहाँ पे शेषफल को नीचे जोड़ दिया। क्लियर हुआ? अब ये करोगे, चलो करो फटाफट चेक करो इसको, फटाफट चेक करो आपका भाग सही है कि गलत है। चलो यहाँ पे बच्चों देखो इसको ना चेक कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, 1, 3, 7, 6 में कितने का गुणा करेंगे? 13 का। गुणाकार आपका सारा ना, गुणाकार हो गया ना अपना, ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे देखो, 3, 6, 18 हासिल का कितना? 1। 3, 7, 21 और 1, 22। 22 के 2 हासिल के कितने? 2। 3, 3 का 9। 9, 2, 11। 11 का 1 हासिल का 1। 3, 1 और 1 ठीक है। अभी 3 का गुना हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग कट करेंगे या फिर शून्य रखेंगे, कट करेंगे या फिर शून्य, ठीक है। अब 1 का गुना इनके साथ कर लो बेटा, 1 का गुना 6 में करेंगे तो 6, 1 का गुना 7 में करेंगे तो 7, 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3, और 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। इसको जोड़ लो, इसके जोड़ने के बाद आंसर आएगा 8, 6, 2, 8, 7, 1, 8, 4, 3, 7 और ये 1। देखो ये वाला इसके बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी शेषफल अच्छा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे? शेषफल ऐड करेंगे। आपका शेषफल कितना दिया बच्चों? 5 दिया, 5 ऐड कर दो, देखो 8, 5, 13 के 3 हासिल का 1, 8 और 1, 9, 8, 7, 1 आ गया क्या? ये इसके बराबर आ गया बच्चों, मतलब आपका भाग क्या था? क्लियर हुआ? अगला सवाल देखेंगे अभी, देखो करो। चलो आपने को यहाँ पे भाग देना है बच्चों 13 से 12,345 बराबर है क्या? यहाँ पे कितनी संख्या है? 13। ये 2 अंक है यहाँ पे, 1 और 3, तो यहाँ पे भी 2 अंक लो पहले। यहाँ पे 13 से छोटा है 12, इसका मतलब भाग जाएगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 अंक ले लेंगे, कितने? 3, यानी कि 123 लेना है। कितना लेना है? 123। तो 13 के पारे में 123 आता है क्या? आता है क्या? 13 का पारा लिख लेंगे सबसे पहले, देखो 13 13 36 13 13 54 13 55 13 76 13 97 13 98 104 13 97 117 और 13 103, ठीक है।
123 तो नहीं आता, लेकिन 123 से छोटा 170 आया, जो कि 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। 9 ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे 170 लिख देंगे। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, अपन माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उत्तर कितना आएगा बता दो। 13 में से 7 गए तो 6, एक पे से क्या 0 और एक पे से क्या 0। अब क्या करेंगे, उसके बाद वाली संख्या हम लोग नीचे लेके आते, 4 कितने हो गए, 64। 64 आता है क्या, 64 आता है क्या तेरा के मायने में? 64 से छोटा 52 आता है। क्या आता है? 52। कितने नंबर पे? 4 ऊपर लिखो। 13 चौक 52। माइनस करो बेटा, यहाँ पे माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 5 गए तो 6, 12 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बचा है, 5 नीचे उतार लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब 125। 13 के पाले में आता है क्या? नहीं आता है क्या? नहीं। कितना आता है? 170। कितने बार में? 9 बार। 13 में 170 माइनस करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे बच्चों तो 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 8। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, आगे कोई संख्या है क्या? नहीं है, मतलब यहाँ पे भाग फिलहाल में खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा पता है, ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका शेष फल। क्या आया? शेष फल। ये क्या था आपका? भाज्य। बताओ ये क्या था? ये क्या है आपका? भाजक। ऊपर वाली संख्या क्या आ गई आपकी? क्या गई? भागफल। ठीक है, अब ये आपका भाग सही है या गलत है ये चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 949 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, किससे करेंगे, वैभव कितने से करेंगे? 13 से बेटा। हाँ बोलो, 13 से ना, ऐसी बात हुई ना, उठते जल्दी से, तो बहुत लेट बोलता, इतने देर में तो गाड़ी छूट जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आपको 13 का पारा आता है तो डायरेक्ट पूरा कर सकते हो, 13 का पारा आएगा तो डायरेक्ट पूरा कर सकते हो, या पहले 3 से करो फिर 1 से करो, जैसे पटे वैसे करो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 3 से करता हूँ। 3 नाम सरकार, आशी थी कितने, 2, 3 चौक 12 और 2 14 के 4, आशी थी कितने, 1, 3 नाम 27 और 1 28 बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का गुना हो गया, कट करो यहाँ पर, 1 का गुना करेंगे और 1 का गुना किसी भी संख्या के साथ करते हो वही आंसर आता है, बराबर है। तो 1 का गुना 9 में करेंगे तो 9, 1 का गुना 4 में तो 4, देखो ये वाला उत्तर आ रहा है क्या वहां पे? नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका शेष फल बचा हुआ, शेष फल कितना है आपका, 8, ऐड कर देंगे 8 और 7 15, 5 हासिल का कितना, 3 और 1 4, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब आगे के देखो, 1 2 3 4 5, मतलब इसका आपका आंसर क्या है, करेक्ट जवाब होगा। इधर बच्चों अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखना आपको, 13 का ही भाग देना है, 1 0 0 0 1, चलो निकालो। सर्वाधिक क्या करो बेटा, 14 से पारा लिखियो अपन, कितने का पारा लिखेंगे, 14 का पारा लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो 14 एक 14 दुनी 14 3 14 4 14 5 14 7 14 7 14 8 14 9 14 1 से 42, लोकांची वय कमी होत चालली आहे आणि इथे पाळाची वय कमी होत चालली आहे। आता 14 पाळ्यात 12 येतो का भाऊ? 14 के पाळे में 12 आता है क्या? नहीं। क्या करेंगे, 3 अंक ले लेंगे। 123 आता है क्या 14 के पाळे में? 123 से छोटी संख्या कौन सी है? 112। कौन सी है? 112। कितने बार में आती है? 8 बार में आती है, तो 8 ऊपर लिखेंगे और 14 8 112 लिखेंगे, बराबर है क्या?
अब ये 12 में से ये 12 गए तो क्या बचा? 12 में से 12 जाएंगे तो जीरो लिखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बेटा माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से क्या तो 1 और 1 में से क्या 0। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे बता दो जरा। अब यहाँ पे ये 4 नीचे लेके आ जाएंगे, 14 हो गए, 14 के पारे में 114 आता क्या? 114 आता क्या? क्या आता भाई? कितने बार में? 8 बार में, 14 8 112 माइनस कर लिया आपको कितना बचेगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे? 5 नीचे लेके आएंगे, 14 के पारे में 25 आता क्या? कितना आता? 14 ही आता। कितने बार में? 14 एक 14 माइनस कर लो बेटा, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से क्या तो 1 बचा। अब क्या करेंगे? ये 6 नीचे लेके आएंगे, कितना हो गया? 116। अब कितने बार में जाएगा बताओ? 8 बार में, 14 8 112, 112 आता है 116 से छोटी संख्या, तो 8 बार में जाएगा, 14 8 112 माइनस कर लो, 6 में से 2 गए तो 4, 1 में से क्या और 0। अब ये शेष पर बच गया 4, सबका इतना आया था बराबर, किसी का कुछ गड़बड़ आया था क्या? ठीक है, अगर आया भी होगा तो इसको करेक्ट कर लेना, लिख लेना, प्रैक्टिस करना, ये अब आपका सही है कि गलत है वो चेक कर लेते हैं ना बच्चों। क्या करेंगे? 8 8 1 8, यानी कि ये आपका भागफल था, क्या था? भागफल। कितने का गुणा करेंगे इसमें? 14 का, ये आपका क्या है? भागफल। गुणा करेंगे इसका, देखो 4 8 32 से 2 हासिल का कितना? 3। 4 1 4 और 3 4 8 32 के कितने हासिल के? 4 8 32 और 3 बढ़िया। अब 4 का गुणा हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे? कट कर देंगे बराबर, तो कट कर देंगे। अब 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 8 में तो 8, 1 का गुणा 1 में तो 1 का गुणा 8 में और यहाँ पे 8, ऐड कर लो बेटा इसको, यहाँ पे 2 8 और 7 15 के 5 हासिल का कितना? 4। कितना आया? 4। यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और 1, ये हासिल का था कितना हो गया? 4। 8 और 5 13, हासिल का कितना? 8 3 11 और 1 12। देखो आंसर मिल रहा है क्या? ये और ये मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे आप बताओ? क्या ऐड करना पड़ेगा? 6। 4 4 6 पर कितना आपका? 4 है ना बेटा, 4 ऐड कर देंगे यहां पे, ऐड कर लो, यहां पे कितना हो गया? 6 5 4 3 2 1, मतलब आपका आंसर सही है। आप बात करें मेरे बच्चों, अगला रिकॉर्ड चलो बेटा, 14 से ही भाग देना है आपको, 14 15 16 17 चला करा, चलो करो आप बेटा, यहाँ पे डाल दो, देखो 14 से अपने को भाग देना है, 14 15 16 17, इसको पढ़ोगे कैसे पता है? इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, मजे आ गया देखा, 1 करोड़ 41,51,617, ठीक है, ये पढ़ते हैं, इसमें भाग देना है अपने को, कितने से भाग देना है? 14 से, बराबर है। भाग देते समय क्या करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक ले लो, 14 में 14 से भाग जाएगा कितने बार? कितने बार? 1 बार, 14 एक 14 माइनस कर लो बेटा, जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0, 14 से 14 गए तो कुछ नहीं बचा। इसके बाद क्या करेंगे? अगली संख्या हम लोग नीचे उतारते हैं, यहाँ पे क्या उतारेंगे? 1। अब ये बताओ 14 में 1 में भाग जाएगा क्या? भाग जाएगा क्या? भाई वो तू संख्या चलते भरोसा नहीं बताए, नहीं रहेगा, नहीं नहीं जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, जब नहीं जाएगा ना तो जब अगली संख्या उतारते बच्चों, जब उसके बाद वाली संख्या उतारेंगे तो ना ऊपर एक जीरो रखना होता है, तब जाके अगली संख्या उतारेंगे, मतलब जब भी लगातार आप दो संख्याएं उतारोगे, कितनी? दो संख्याएं,
जब ऊपर से दो संख्याएं एक ही जगह पे आती है तो एक जीरो ऊपर जाता है। समझ में आ गया बेटा? आप बात जाएगा क्या बेटा यहाँ पे कितनी बार? एक बार। चौदह एकम चौदह, माइनस करो पंद्रह में से चौदह कर दो, कितना बचेगा? एक बचेगा और यहाँ पे शून्य। अब क्या करेंगे? ये एक नीचे लेके आ जाएंगे, बराबर है क्या? अब भाग जाएगा क्या? क्योंकि ग्यारह भाई छोटा है चौदह से, भाग जाएगा तो क्या करेंगे? वापस से अगली संख्या भी यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे दो संख्याएं उतार रहे, कितने? दो संख्या, मतलब यहाँ पे ऊपर क्या रखेंगे? एक जीरो, फिर अगली संख्या यहाँ पे आएगी। आप समझ में आया? अब कितने बार जाएगा? 116 है, मतलब यहाँ पे 14 अट्ठे 112, 8 बार जाएगा। 14 अट्ठे 112, माइनस कर लो बच्चों, 6 में से 2 गए तो 4, 1 में से 11 शून्य और यहाँ पे शून्य 4 बचे। अब क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या नीचे लेके आ जाएंगे। 41 कितने बार भाग जाएगा? कितने बार? 14 से भाग जब देंगे 41 में, तो 41 से छोटी संख्या लिखना होता है, कितने बार जाएगा? दो बार जाएगा। हाँ हितेश बोलो। ऑफिस में आज 25 मिनट आज ऑफिस में, ऑफिस पता है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? 14 दूनी 28, माइनस करो कितना हो जाएगा? 13 बचेगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। अब क्या करेंगे? अगली संख्या नीचे लेके आ जाएंगे, कितना? 7। अब 14 के बारे में 137 आता है क्या? कितना आता है? 126, कितने बार में? 9 बार, 126 माइनस कर लो बेटा, कितना बचेगा? 11 बचेगा, कितना बचेगा? 11। अब यहाँ पे ये सवाल, ये कितने लोगों का आया था? आया था बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। इसके बावजूद आपको चेक करना है कि अपना आंसर रॉन्ग है कि करेक्ट है, उसके लिए क्या करना? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 101089 मल्टीप्लाई बाय 14। देखो लिखे गया इसका आंसर, सबका आ गया है। अब इसको ना यहाँ पे बेटा जब इसके आगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो क्या आएगा, अपन ने 4 का तो मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई जिस संख्या के साथ होता है आंसर वही आता है, आपको पता है। 1 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 9, 2 में होगा तो 2, 8 में 8, 0 1 0 1, ऐड कर लो इनको, 6 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 1 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। देखो आंसर सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, गड़बड़ है। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, जो शेष फल है ना वो ऐड कर लेंगे। जब ऐड करो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, यहाँ पे 1 6 1 5 1 4 1, अब करेक्ट आ गया। इसका मतलब अपना ये भाग करेक्ट था बच्चों, ठीक है। अब क्या करो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो थोड़े से। होमवर्क के लिए क्वेश्चन ऐसा है, 11, 12, 13, 14 और 15 से भाग देना है आपको। वाह, 11, 12, 13, 14, 15। ये बच्चों देखो, यहाँ पे जो संख्या लिखी ना, संख्या सब में सेम है। संख्या सब में क्या आएगी? सेम आएगी। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे सॉल्व करना है और चेक भी करना है, रॉन्ग है कि राइट है। ओके बच्चा, बस आज के लिए इतना काफी, कल कंटिन्यू करेंगे।